इन्फो फॉर पेशेंट किसी मरीज में भी बन सकती हैं, बच्चों में बनती हैं, यंग एज में भी बनती हैं, ज्यादा एज वाले में भी बनती हैं, ज्यादा फीमेल में बनती हैं, लेकिन मेल्स में बहुत कॉमन है। हम ये समझते थे कि सिर्फ फीमेल की डिजीज है, लेकिन अब मेल भी बहुत ज्यादा, तो जिसकी वजह से वो जो बाइल है, रतूबते हैं, वो इकट्ठी होके कोलेस्ट्रॉल है वो स्टोन बना दे। जैसे अगर खुदा ना खासा मूव कर जाए आगे सीबीडी में, बड़ी नाली में चला जाए, तो पैंक्रियाज की इन्फेक्शन, पैंक्रियाटाइटिस कर देगा। अगर पित्ते में स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन्स ज्यादा देर पड़े रहें, तो ये खुदा ना खास्ता कैंसर। तो ये बड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं। मरीज को होता क्या, अलामत क्या होती हैं? खाना पीना हजम ना होना, डकार आना ज्यादा, आपके राइट साइड पे या मिडल में जब ऑपरेशन कराना है नहीं कराना, आपको हर बंदा एक नया नया मशवरा देगा, नहीं कराना जी, आपको कुछ नहीं कह रही, या आपको दवाइयों के मशवरे देंगे, हकीम के पास ले जाएंगे, फकियां खिलाएंगे जी, उसको डिसॉल्व करा लेंगे, मशवरे देंगे, लेकिन उस पे अमल नहीं करना, ये बड़ी सीरियस डिजीज है। पित्ते में पथरियों का एक ही इलाज है। अब अगले क्वेश्चन होते हैं जी, आप पित्ता निकाल देंगे तो खाएं पियेंगे कैसे, जिंदगी कैसे गुजरेगी, पित्ते के जो फंक्शन थे वो तो दोबारा खत्म हो जाएंगे। मैं फिर उनको कहता हूँ कि अगर पित्ता आपका काम नहीं कर रहा तो उसी वजह से पथरियां बनी है, पित्ता अब काम नहीं कर रहा, लोगों की बातों में आके डिले करते हैं, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डॉक्टर मनसब अली हूँ, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एंड डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर। आज जिस टॉपिक को हमने चुना है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत पेशेंट है। सबसे ज़्यादा सर्जरी जो मैं करता हूँ गॉल स्टोन्स, पित्ते में पथरियाँ, ये बनती कैसे हैं, किन मरीजों में होती हैं और इनका करना क्या चाहिए? ये किसी मरीज में भी बन सकती हैं, बच्चों में बनती हैं, यंग एज में भी बनती हैं, ज़्यादा एज वाले में भी बनती हैं, ज़्यादा फीमेल में बनती हैं, लेकिन मेल्स में बहुत कॉमन है। अब पहले हम ये समझते थे कि सिर्फ फीमेल की डिजीज है, लेकिन अब मेल भी बहुत ज़्यादा इसमें आते हैं। बनती क्यों है? आपका जो गाल ब्लडर है, पित्ता है, वो काम करना छोड़ देता है, मूवमेंट उसकी कम हो जाती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो जिसकी वजह से वो जो बाइल है, रतूबते हैं, वो इकट्ठी होके उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो स्टोन बना देता। अब गाल ब्लडर पित्ते के अंदर अगर स्टोन पड़ा हुआ है तो वो अलामत क्या करेगा? इन्फेक्शन करेगा, जिसकी वजह से पेट में दर्द होगी, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर खुदा ना खासा मूव कर जाए आगे सीबीडी में, बड़ी नाली में चला जाए, तो पैंक्रियाज की इन्फेक्शन, पैंक्रियाटाइटिस कर देगा। अगर सीबीडी को, बड़ी नाली को बिल्कुल बंद कर दे, तो यरकान जॉइंटिस कर देगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस कर देगा, तो ये बड़ी सीरियस किस्म की कॉम्प्लिकेशन है। अगर पित्ते में स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन्स ज्यादा देर पड़े रहें, तो ये खुदा ना खास्ता कैंसर कर देते हैं गॉलब्लैडर। तो ये बड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं। मरीज को होता क्या, अलामत क्या होती हैं? खाना पीना हजम ना होना, डकार आना ज्यादा, आपके राइट साइड पे या मिडल में दर्द का होना जो बैक साइड पे जाती है, या शोल्डर में जाना, तो आपको पित्ते की अलामत हो सकती है। आप खुद या आपका डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराता है और उसमें तकरीबन 99% वो पिक कर लेता है कि गॉलब्लैडर में स्टोन्स हैं या नहीं है। तो उसके बाद आप बड़े आगे मसले होते हैं कि जी ऑपरेशन कराना है नहीं कराना, आपको हर बंदा एक नया नया मशवरा देगा, नहीं कराना जी, आपको कुछ नहीं कह रही, या आपको दवाइयों के मशवरे देंगे, हकीम के पास ले जाएंगे, फकियां खिलाएंगे जी, उसको डिसॉल्व करा लेंगे, मशवरे देंगे, लेकिन उस पे अमल नहीं करना, ये बड़ी सीरियस डिजीज है। पित्ते में पथरियों का एक ही इलाज है कि उसको ऑपरेट करके निकालना है। किस तरह ऑपरेट कर सकते हैं वो आगे फिर मसला होता है जी, लेजर से करना है, लैप्रोस्कोपी करना है, ओपन करना है, ये एक अलहदा डिबेट है, लेकिन उसका हल एक ही है कि अगर आप सर्जरी के लिए फिट हैं और आपको कुछ अलामत आई हैं एक दफ़ा, या आपका अल्ट्रासाउंड पे पिक हो गया है, तो इलाज एक ही है कि आपने उसको रिमूव कराना है। आपका गाल ब्लैडर, पित्ता काम नहीं कर रहा, तो आपने रिमूव कराना। अब अगले क्वेश्चन होते हैं जी, आप पित्ता निकाल देंगे तो खाएं पियेंगे कैसे, जिंदगी कैसे गुजरेगी, पित्ते के जो फंक्शन थे वो तो दोबारा खत्म हो जाएंगे। मैं फिर उनको कहता हूँ कि अगर पित्ता आपका काम नहीं कर रहा तो उसी वजह से पथरियाँ बनी है, पित्ता अब काम नहीं कर रहा, पित्ता निकाल देंगे तो आपकी लाइफ नॉर्मल गुजरेगी, मोस्टली नॉर्मल गुजरती है, चेंजेस नहीं आती। आपको खाने पीने में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ती, आपका डाइट तकरीबन सेम रहती है, कुछ एडजस्टमेंट है लाइफस्टाइल में, लेकिन लॉन्ग टर्म आपकी जो खाना पीना है वो सेम रहता है। इलाज क्या है इसका? लैप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कोई जो मर्जी कहे, जी जी मैं दवाई दे दूंगा,
होगा, उसने हकीम के पास गए, वो ट्रीटमेंट नहीं है। इससे ज्यादा कि आप कॉम्प्लिकेशंस लेके फिर डॉक्टर के पास आए। जो मरीज हम डायग्नोज करते हैं उसमें अल्ट्रासाउंड करा लिया, कुछ LFTs करा के, कुछ बेसिक टेस्ट करा के मरीज की एज और बाकी चीजों के अकॉर्डिंगली हर मरीज में अलग इन्वेस्टिगेशन आती है। लेकिन इलाज एक ही है कि उसका लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी, जिसको लोग आमतौर पर लोग लेजर सर्जरी कहते हैं, होता बेसिकली की होल सर्जरी है, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी होती है। ये आमतौर पर डे केस है, आप सुबह ऑपरेशन कराएं शाम को घर चले जाएं, या ज्यादा से ज्यादा एक नाइट स्टे करना पड़ता है। ये नॉर्मल पेशेंट के लिए, जिनमें शुगर, डायबिटीज, हार्ट इश्यूज, कार्डिक इश्यूज होते हैं उनमें हो सकता है कि ज्यादा स्टे हो, लेकिन नॉर्मली डे केस या अगले दिन घर भेज देते हैं। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को जो बुलाते हैं वो आफ्टर वन वीक टीचर बुक करने होते हैं और देखना होता है कोई इन्फेक्शन या कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे। नॉर्मल सर्जरी है, बड़ी रूटीन सर्जरी है, लेकिन अगर इसको मिस कर दें, अगर इसको आप लोगों की बातों में आके डिले करते हैं, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।